अभिविजन में आप सभी का स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल के विषय में जानेंगे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 76 के अंतर्गत भारत में महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल के पोस्ट का सृजन किया गया है। महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी है, यानी इसे प्रथम विधि अधिकारी फर्स्ट लॉ ऑफिसर कहा जाता है। यह भारत सरकार को विधिक मामलों पर सलाह देता है। महान्यायवादी की नियुक्ति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। फ्रेंड्स, भारत में तीन अधिकारियों को विधि अधिकारी माना गया है। फर्स्ट, भारत का महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। सेकेंड, भारत का महाधिवक्ता सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। थर्ड, भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया। और आप याद रखेंगे कि इसमें महान्यायवादी सर्वोच्च स्तर पर है, यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है वो सुप्रीम पोजीशन पर है। महान्यायवादी नियुक्त होने के लिए उन योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आवश्यक होती है। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा संविधान में उसे पद से हटाने को लेकर भी कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। आर्टिकल 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर रहेगा। वह अपने कार्यकाल के दौरान ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति उसके लिए निर्धारित करेगा। ओके, अब हम सभी अटॉर्नी जनरल के पावर्स के विषय में जानेंगे। तो आइए देखते हैं। आर्टिकल 76(3) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कर्तव्य के पालन के लिए भारत के राज्य क्षेत्र में स्थित सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होगा, यानी ऑडियंस का अधिकार होगा। सेकेंड है, अनुच्छेद 88 में कहा गया है कि महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक तथा संसद की किसी समिति जिसका वह सदस्य है कि कार्यवाहियों में भाग लेने तथा बोलने का भी अधिकार है। हालांकि उसे संसद के सदनों में मत देने का अधिकार नहीं है, वोटिंग का राइट्स नहीं दिया गया है उसे। आर्टिकल 105(4) के अनुसार महान्यायवादी को अपने कार्यकाल के दौरान संसद सदस्यों को प्राप्त होने वाली सभी उन्मुक्तियाँ, यानी जो वैकेशंस हैं और जो प्रिविलेज्स हैं, जो विशेषाधिकार हैं, वो महान्यायवादी को भी प्राप्त होते हैं। अब हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति द्वारा महान्यायवादी को कौन कौन से कार्य सौंपे गए हैं। तो फर्स्ट है, भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। सेकेंड है, संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। थर्ड है, सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में सुनवाई का अधिकार है। आइए अब हम सभी भारत के महाधिवक्ता यानी सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। महाधिवक्ता भारत सरकार का दूसरा विधि अधिकारी है जिसका प्रमुख कार्य महान्यायवादी की सहायता करना है। आप ध्यान में रखेंगे कि महान्यायवादी का पद संविधान के आर्टिकल 76 के तहत एक संवैधानिक पद है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है। वही महाधिवक्ता का पद संवैधानिक न होकर मात्र वैधानिक है, यानी कि स्टैचुटरी है। इसी प्रकार भारत के अपर महाधिवक्ता एडिशनल सॉलिसिटर जनरल की नियुक्ति महाधिवक्ता की सहायता करने के लिए की गई है, और यह जो पोस्ट है वो भी वैधानिक है, यानी कि स्टैचुटरी है। तो आप ध्यान में रखेंगे कि महान्यायवादी का जो पोस्ट है वो कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया का जो पोस्ट है वो स्टैच्युटरी है, यानी कि वैधानिक है। ये जो आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहे हैं वो भारत के महान न्यायवादियों यानी कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के लिस्ट हैं। एक तरफ उनके नाम और उनके कार्यकाल दे रखे हैं, जैसे कि भारत के पहले महान्यायवादी M.C. सितलवाड़ थे और इनका जो कार्यकाल है वो 1950 से लेकर 1963 के बीच रहा है। तो इसी तरह से आप सभी को लर्न कर लें कि पहले कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपके UGC नेट एग्जाम में पूछे जाते हैं। सीक्वेंस में लगाने के लिए आपको आता है क्वेश्चन में, इसीलिए इसे अच्छी तरह से लर्न कर लें।
तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। यदि आपको हमारी यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाए गए हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आज के इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।